हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी वाइब्स। आज हम इस फैब्रिक से सुंदर से मोजे तैयार करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमें 10 बाय 10 का कपड़ा लेना है। इसकी विड्थ आपको 10 इंच लेनी है और इसकी लेंथ भी आपको 10 इंच लेनी है कि 10 बाय 10 का हम कपड़ा ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम इसे साइड कर देते हैं। अब हम पैर की मेज़रमेंट देख लेते हैं हमें कितनी लेनी है। यहाँ से मैं 5.5 ले रही हूँ, आप 6-6.5 अपने पैर के हिसाब से ले सकते हैं। ये आगे का पार्ट जितना हमारा होगा उतना मैं ले रही हूँ। ये देखिए 5.5 पर मैंने ये निशान लगा लिया है और इसकी विड्थ मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। ये 1.5 इंच पर मैंने ऐसे निशान लगा दिया है। ये देखिए, इसे हम ऐसे राउंड की शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से हमारा फैब्रिक दिखेगा। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप ऐड करनी है। ये देखिए, ये स्ट्रिप मैंने ली है, ये 2 इंच की हमें लेनी है और इसकी लेंथ मैं 15 इंच ले रही हूँ। ये देखिए, ये इसके साइज़ की हमको लेनी है। इसकी लेंथ इतनी लेनी है ताकि इस पर पूरी लग जाए। आप मेज़र करके देख सकते हैं। अब हम इसे बैक साइड से अटैच करेंगे। ये बैक साइड से ऐसे मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको करके दिखाती हूँ मैं कैसे करनी है। ये बैक साइड से इस स्ट्रिप को भी हमें उल्टा करके इस तरीके से यहाँ से स्टिच कर लेना है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, तभी आपको पूरा समझ आएगा। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बहुत ही इजी वे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमको ये पूरी स्ट्रिप ऐड कर लेनी है। ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट बच गया, इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक साइड से स्ट्रिप ऐड कर ली है। अब हम इसे इस तरीके से आगे की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको ये आगे की तरफ करके इसको भी स्टिच कर लेना है। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सॉक्स हमारी बनकर रेडी हो जाएंगी। ये हमने बैक साइड से इसको इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर एक स्टिच कर देना है। ये देखिए, मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से हमको यहाँ पर स्टिच करना है। ये देखिए, यहाँ से गोलाई में और यहाँ से यहाँ तक हमको इसको स्टिच कर लेना है। आगे के पोर्शन पे हम स्टिच नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से हमें थोड़ा गोलाई में स्टिच करना है और ये हम सीधा स्टिच करके इसको फिनिश कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें ये आगे वाला पोर्शन इसको स्टिच नहीं करना है, खुला ही छोड़ना है। ये देखिए, इस तरीके से स्टिच करने के बाद हमें इसको इस तरीके से पकड़ के, ये देखिए, इस तरीके से रख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पर निशान लगाने वाले हैं। यहाँ से हम इस तरीके से अपने पैर के हिसाब से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ये अंगूठे का और ये उंगलियों का मैं ऐसे निशान लगा देती हूँ। ये जो बीच में अंगूठे और उंगलियों के बीच में जो निशान आएगा, ये हमें बिल्कुल सेंटर में लेना है। ये देखिए, इस तरीके से ये सेंटर पॉइंट है। ये यहाँ से हमें ये एकदम इक्वल आना चाहिए, तभी हमारी सॉक्स अच्छे से बनेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको ये स्टिच कर लेना है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इनको स्टिच कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ साइड से। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर हमारी सॉक्स बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपको थोड़ी लूज़ आ रही है पीछे से, अगर लूज़ आए तो आप इसको टाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए,
ये देखिए जैसे मुझे हल्के से लूज़ आ रहे तो मैं इसको टाइट कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी सॉक्स बनकर रेडी हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।